वही बात करें अगली खबर की तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां भाजपा ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है, वहीं अब सक्रिय नजरें कांग्रेस पर टिक गई हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतारा जाएगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नहीं, देखिए बीजेपी का वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे, सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है, चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारी बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलंब नहीं हो रहा, आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा से चली आ रही है। आज बैठक में 16 नाम होंगे बिल्कुल, नाम छांटे जाएंगे और वो नाम आगे सीईसी के पैनल में भेजे जाएंगे और वहां से फाइनल।